Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we are going to do chapter number 8 for class 10th and name of the topic is the hack driver. यहाँ पर जो characters हैं बेटा वो एक तो hack driver number 1 character जो हैं और एक जो character हैं वो है young जो number 2 हैं वो young lawyer हैं और यहाँ पर थर्ड करेक्टर जो है वो इट मीन्स जो हम आप थर्ड कह सकते हैं अभी तो एक ओलिवर लुटकिंस नाम का व्यक्ति है जिसको सर्च किया जा रहा है जिसको जो ये यंग लॉयर है जिसको सर्च कर रहा है बट लास्ट में हमें पता लगेगा कि जो ओलिवर लुटकिंस है वो सेल्फ ही हिमसेल्फ ही जो क्या है वो हैक ड्राइवर है। ये जो हैक ड्राइवर है ये बहुत ही फ्रेंडली नेचर का है और इस लॉयर की हेल्प करता है अपने गांव में लुटकिंस को सर्च करने के लिए। क्या लुटकिंस को वो खोज पाया और लुटकिंस कौन है, इस तरह से भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हम यहाँ पैराग्राफ में निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर, यहाँ पर जो नरेटर है बेटा जहाँ पर जो इस कहानीकार है लेखक जो है जो हमारे राइटर हैं यहाँ के ऊपर यहाँ जो सिंक्लेयर लेविस हैं और जो अपनी स्टोरी को बताते हैं तो ये जो सारा आई है ये हमारे राइटर हैं सिंक्लेयर हैं और राइटर कौन है यहाँ कौन दिखा रहा है कि वो जो लॉयर है जो वकील है जो लुटकिंस को सम्मन देने के लिए आया है वो हिमसेल्फ है। ये अपने बारे में खुद बताता है पहले कि मैंने ओनर्स से जो है ग्रेजुएशन पास की है, ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है वो मैंने ओनर्स से पास की है और इसके बाद जो मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया है एक फर्म के अंदर, एक मैग्निफिशेंट फर्म के अंदर एक क्लर्क के रूप में जो है मैंने पोस्ट को ज्वाइन किया है और एक वहाँ पर जो मैं काम करता हूँ वो लीगल वर्क है, मींस वो स्टार्टिंग की उसकी जो फेज़ है एज ए एडवोकेट के रूप में और अब जो वर्क के लिए भेजा गया है एक बहुत ही उसको ब्रीफ में अगर वो बताए तो वो कहता है कि समन्स भेजने के लिए मुझे बोला गया है और वो महसूस करता है कि ये बहुत ही चीप जो वर्क है और एक प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह से इसका प्राइड वो मीन्स जहाँ ये महसूस करता है वो ये महसूस करता है कि ये एक जासूस की तरह का जासूसी का काम है। वो कहता है कि मुझे डर्टी बहुत ही गंदी और छायादार गलियों में भेज दिया गया, ऐसी कॉर्नर्स में मुझे भेज दिया गया जहाँ पर बहुत सारे जो हैं ताकतवर लोग थे जिन जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जिनमें बहुत ज़्यादा था उन्होंने मेरी पिटाई भी की और ये बहुत ही अनप्लीजेंट वर्क था जिससे मैं बहुत ज़्यादा हेट करता था और साइड बाई साइड जो सिटी लाइफ जो थी उससे भी वो जो सिटी लाइफ में रहा है और विलेज की लाइफ में उस वो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट महसूस करता था। इस प्रकार जो वो क्या कहता है कि वो स्टार्टिंग में तो ये सोचता है कि जिस सिटी के अंदर हूँ जिस कस्बे के अंदर हूँ मैं यहाँ से भाग जाऊँ और मैं यहाँ ना रहूँ, मींस वो बहुत ही अनप्लीजेंट वहाँ पर महसूस करता है, मींस खुश महसूस नहीं करता है। सो आई रिजॉइस्ड वन डे, इस प्रकार जो है एक दिन वो क्या कहता है मुझे बहुत खुशी हुई कि जब मुझे पता लगा यहाँ से स्टार्टिंग करता है बेटा स्टार्टिंग, ये तो वैसे उसने बताया है ब्रीफ में थोड़ा कि किस तरह से वो पहले महसूस करता है वहाँ पर जहाँ पर वो जॉब कर रहा है। सो आई रिजॉइस वन डे, वो कहता है कि मुझे एक दिन खुशी हुई जब मुझे भेजा गया 40 मील्स दूर एक कंट्री में एक देहाती इलाके में और उस इलाके का नाम था न्यू मिलियन। न्यू मिलियन में भेजा गया वहाँ सम्मन्स देने के लिए एक व्यक्ति को और उस व्यक्ति का नाम था ओलिवर लुटकिंस। ओलिवर लुटकिंस जो है वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी आवश्यकता थी किसी भी कोर्ट के केस में और उसको गवाही देनी थी लेकिन वो क्या कर रहा था उसको बार बार लेटर भेजे जा रहे थे और वह उन लेटर्स को जो है इग्नोर कर रहा था। जब वो मिलियन पहुंचता है, जब जो लॉयर है मिलियन पहुंचता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे जाते ही मीन्स मैं मेरी लुटकिन से मुलाकात होगी और इस तरह से वो मीन्स मन मन में ही सोचता है और उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं कि वहाँ की जो बहुत ही अच्छा वातावरण होगा कंट्री का देहाती इलाके का वो सब वहाँ जाकर डिसअपॉइंट हो जाता है, निराश हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो गलियाँ हैं वो कीचड़ से भरी हुई हैं, वहाँ की जो शॉप्स हैं
हैं वो वुडन से बनी हुई हैं, लकड़ी से बनी हुई हैं, कुछ के ऊपर ब्राउन पेंट किया हुआ है और कुछ बिना ही पेंट के हैं। वहाँ का जो दृश्य है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है और मीन्स वो परेशान हो जाता है। इस प्रकार जो सबसे अच्छा सीन उसको लगता है वो क्या है बेटा, एग्रीएबल साइट कौन सी है कि एक डिलीवरी मैन उसे मिलता है जो हैक ड्राइवर है हमारा, जो लोगों को एक जगह से दूसरे स्थान पर से छोड़ता है। और वो 40 ईयर ओल्ड है, रेड उसका फेस है, बहुत ही खुश है और बहुत ही थिक है अबाउट द मिडल, इट मीन्स उसका स्टमक जो है मिडल में से बीच में से वो बहुत मोटा है। उसके जो क्लोथ्स हैं वो बहुत ही डर्टी हैं अकॉर्डिंग मीन्स और फटे हुए भी हैं, लेकिन उसका उसके जो मैनर हैं वो बहुत ही फ्रेंडली मैनर का व्यक्ति है और वो हो सकता है लोगों की हेल्प भी बहुत ज़्यादा अच्छे से करता हो। इस प्रकार जो है वो सोचता है और उसका वो उसे बताता है कि मुझे यहाँ जो सर्च करना है वो ओलिवर लुटकिन नाम के व्यक्ति को मैं सर्च करने के लिए आया हूँ। इस प्रकार ये सारी जो चीज़ें सारी बातें हैं ये शेयर करता है और वो उसे सरप्राइज से देखता है और कहता है कि लुटकिन, सच्चा आप लुटकिन को जो है वो सर्च करने के लिए आए हो। अब लुटकिन को वो सरप्राइज़ में क्यों हो जाता है, देखो वैसे तो लास्ट में हमें पता लगेगा कि क्यों, क्योंकि ये खुद ही व्यक्ति जो है बेटा हैक ड्राइवर है ये खुद ही लुटकिन है, हमें तो लास्ट में स्टोरी में पता लगेगा बट मैं भी आपको बता देती हूँ। लेकिन ये इस वकील को जो है वो एडवोकेट को पता नहीं लगने देता कि वास्तव में ये लुटकिन है। वो क्या करता है मीन्स वो कहता है कि एक घंटे पहले ही मैंने उसे देखा है और उससे उसको जो है वो बहुत ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसे पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह से घूमता रहता है और हो सकता है वो पोकर गेम खेलने के लिए फ्रिज की शॉप पे गया हो, ये नेम ऑफ शॉप है बेटा जो ओनर है फ्रिज उसकी शॉप है, उसके ऊपर वो उसको ढूंढते हैं और वो बताता है कि वहाँ पर जाते हैं उसको लोकेट करते हैं उस जगह को, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और वो उसे कहता है कि एडवोकेट है वो कहता है कि मुझे आज आफ्टरनून तक लुटकिन्स को ये सम्मन देने हैं और वापस मुझे सिटी में जाना है, शहर में जाना है और ये सीक्रेट जो है ये उसको शेयर करता है हैक ड्राइवर को। आई विल टेल यू व्हाट आई हैव गॉट ए हैक, आई विल गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लुटकिन। वो क्या कहता है बेटा, हाँ ठीक है, मीन्स वो एग्री हो जाता है इस चीज़ के लिए, भाई मेरे पास एक हैक है, मेरे पास एक किराए की गाड़ी है और वो किराए की जो गाड़ी है उसको हम लेकर दोनों जो हैं प्लेस टू प्लेस जाकर एक जगह से दूसरे स्थान पर जाकर दोनों मिलकर लुटकिन्स को ढूंढ लेंगे। इस प्रकार वो क्या लगता है बेटा उसको इस तरह से बातें जब वो करता है, अच्छे से बातें करता है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है, उससे फ्रेंडली बिहेव करता है और वो कहता है कि बहुत ही अच्छे से मींस वो उसको बिलीव हो जाता है अंदर से कि वो अपने जो जिस काम से वो आया है वहाँ पर वो कर पाएगा, इट मीन्स वो उसके प्रेम को देख कर, सहृदयता को देख कर, वास्तविकता को देख कर खुश हो जाता है। इस प्रकार जो वो क्या कहता है भाई, वो इतना खुश होने के बाद वो कहता है कि मैं बहुत ग्लैड हूँ, बहुत खुश हो जाता हूँ और मैंने उससे कोई बार्गेनिंग नहीं की है, उसको जो पैसे दिए हैं वो $2 दिए हैं, किसके हिसाब से, पर आर के हिसाब से, हर एक घंटे के हिसाब से $2 जो हैं वो उसका फेयर दिया है, उसने उसका किराए के रूप में भुगतान किया है। लेकिन उसके जो वो है मीन्स वो उसे किराए की ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्यों, क्योंकि उसको जो रेंट मिलना है, जो किराया मिलना है वो उसे अपने ऑफिस की तरफ से या हम कह सकते हैं कि फर्म की तरफ से उसे मिलना है। इस प्रकार जो है वो दोनों वो स्माइल करता है जो हैक ड्राइवर है और दोनों रेडी हो जाते हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए और इस तरह वो लुटकिन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, खोज करने का प्रयास करते हैं। फिर जो हैक ड्राइवर है वो कहता है कि मैं इंटरफेयर तो नहीं करना चाहता हूँ लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आप जो है लुटकिन से मनी कलेक्ट करना चाहते हैं कि लुटकिन वो उसे उससे कुछ ना कुछ पूछना चाहता है इस तरह से बातें करके। वो कहता है कि वो कभी भी किसी को पैसे पे नहीं करता है, मीन्स अभी भी मेरे 50 सेंट, वो कहता है कि पोकर गेम के अंदर उसने मुझसे पैसे लिए और मेरे वो अभी नहीं लौटाए हैं। हैक ड्राइवर जो है वो इस तरह की इमेज उसके माइंड में बनाना चाहता है। वो कहता है कि वो
बैड नहीं है, बुरा व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो पैसे निकालना उससे बहुत ही इजी टास्क नहीं है, बहुत ही कठिन काम है। अगर मींस वो ये कहता है कि जो उसके, फिर वो उसको दूसरी तरह से टैकल करने की कोशिश करता है बेटा, क्यों? क्योंकि उसको तो पता है ऑलरेडी वो व्यक्ति खुद है, और वो कहता है कि अगर हमें उससे पैसे कलेक्ट करने हैं तो आपने तो गुड फैंसी क्लोथ्स पहने हुए हैं, आपके क्लोथ्स से तो वो जो है सरप्राइज सस्पिशियस हो जाएगा, उसे संदेह हो जाएगा और वो दूर भाग जाएगा। मैं जाऊँगा फ्रिज की शॉप के अंदर और उससे पूछूँगा, और वहाँ जो है आप उस दृश्य को पीछे मेरे पीछे छुप कर देखना, इट मीन्स वहाँ आप मत जाना, वो वहाँ उसको जाने ही नहीं देता। तो इस प्रकार जब वो इस तरह से बातें करता है तो जो हमारा एडवोकेट है वो सोचता है कि भाई ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, मेरी कितनी हेल्प करना चाहता है, और इस प्रकार तो मैं लुटकिंस को बहुत जल्दी से मींस फाइंड आउट कर लूँगा। तो हैक ड्राइवर जो है उसको पता है, वो उसको आश्वासन भी देता है, विश्वास भी दिलाता है, कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो हम आज जो है लुटकिंस को सम्मन दे देंगे। जो मैन है वो रिफ्यूज़ कर देता है उसको विटनेस करने के लिए, गवाही देने के लिए। वो कह रहा है कि सम्मन देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो केस है उसमें लुटकिंस की गवाही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन लुटकिंस जो है बार बार जो है मना कर रहा है। इस प्रकार जो है वो आपस में दोनों बातें कर रहे हैं। ड्राइवर जो है वो बहुत ज़्यादा एगरनेस से, हम कह सकते हैं मीन्स, इन सब चीज़ों को ध्यान से सुन रहा है दोनों। और लेकिन बाद में क्या कहता है कि उसको सांत्वना देने की कोशिश करता है, उसको हिट करता है उसके शोल्डर के ऊपर, कंधे के ऊपर, और हंसता है, कहता है कि कोई बात नहीं है, हम दोनों आपस में ढूंढ लेंगे और लीटर सरप्राइज़ भी हम लुटकिंस को देंगे। तो इस प्रकार जो है वो ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद सबसे पहले जो है वो फ्रिज की शॉप में जाते हैं बेटा। वो अपने बारे में बताता है, पहले तो ये देखो, वो कहता है कि मेरा जो नाम है वो बिल है, और मैग्नूशन नाम से भी मुझे सभी जो है बोलते हैं। ये उसके दो नेम हैं जो सभी व्यक्ति उसको बोलते हैं। और जो कहता है मेरे बिजनेस का जो नेम है वो है विलियम मैग्नूशन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। ये नेम ऑफ बिजनेस है, ये काम है उसका जो करता है। इस प्रकार वो फ्रिज की शॉप के लिए चल पड़ते हैं, फ्रिज की शॉप की साइड। और फ्रिज की शॉप के ऊपर जाकर वो क्या वहाँ पर महसूस करते हैं कि वो अपने आप को ये दिखावा करता है, क्योंकि वो उसको शॉप के ऊपर तो पहले ही एग्री कर लेता है कि शॉप के ऊपर आपको नहीं जाना है, और वो उसको शॉप के ऊपर नहीं लेकर जाता है। इस प्रकार वो क्या कहता है कि वो पोकर बहुत ज़्यादा खेलता है, और वहाँ जाते हैं दोनों उसको डिसीव। जो वो कहता है कि वो लोगों को धोखा देने के में बहुत ज़्यादा माहिर है, और इस प्रकार वो प्रशंसा करता है लुटकिंस की डिसऑनेस्टी की, कि वो बेईमान है लेकिन वो अच्छा व्यक्ति भी है कहता है, और वो लोगों को धोखा भी देता है। तो इस तरह से वो उसकी बुराई की प्रशंसा करता है। तो लॉयर इस पर सोचता है कि ये तो जो हैक ड्राइवर है, अगर पुलिस होता तो ये तो लुटकिंस को पकड़कर अच्छे से जेल में डाल देता और उसे पश्चाताप भी करवाता, इट मीन्स वो उसे बहुत ही अच्छा व्यक्ति मान लेता है। बिल जो है, अब यहाँ पर बेटा देखो, ये हैक ड्राइवर की जगह हम पढ़ेंगे बिल भी पढ़ सकते हैं, और मैग्नूसन भी, क्योंकि ये दोनों इसके नेम हैं। अब बिल जो है वो मींस फ्रिज की शॉप के ऊपर चले जाते हैं, दोनों जो है वहाँ से आसपास में देख रहे हैं, उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, और उससे पूछते हैं कि आपने बिल जो है वो खुशी से पूछता है कि आपने लुटकिंस को देखा है क्या। और ये सब जो चीज़ें हैं वो लॉयर जो है वो उसके पीछे छुपकर देख रहा है, क्योंकि लॉयर वहाँ नहीं गया है। लेकिन वहाँ जाने पर उन्हें पता लगता है कि वो तो वहाँ से चला गया है, वो तो वहाँ पर नहीं है। बहुत ज़्यादा मीन्स वहाँ से उसको आइडिया होता है कि हो सकता है कि वो गुस्टफ की शॉप के ऊपर सेव करवाने के लिए गया हो, और वहाँ पर भी जाने के बाद उसे पता लगता है कि वो सेव करवाने के लिए वहाँ पर गया है बार्बर की शॉप से, लेकिन वो क्या है वहाँ से जो है, एंड अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट। इट मीन्स यहाँ पर भी जो है गुस्टफ की शॉप के अंदर भी बेटा सबसे पहले बिल अंदर जाता है, और लॉयर को है वो गेट पर ही खड़ा कर देता है।
इस प्रकार जो दोनों हैं वो क्या करते हैं, वहाँ से पता कर उन्हें चलता है कि वो वहाँ पर नहीं है, और वहाँ दो कस्टमर से उसकी बात होती है और वो भी ऑलरेडी उनसे नाराज़ होते हैं। एक स्वीडी नाम का है कस्टमर है, और वो गुस्से में आकर कहता है कि मैंने लुटकिंस को नहीं देखा है और मैं उसके बारे में कोई चिंता भी नहीं करना चाहता हूँ। इस प्रकार जो है वो क्या बताता है कि मेरे जो हैं $35 भी उसने लिए हुए हैं, अगर आपको मिले तो मेरे $35 भी आप उसे ले लेना। तो एक कस्टमर उनमें से कहता है कि मैंने जो है लुटकिंस को डाउन मेन स्ट्रीट में जाते हुए देखा है, होटल की साइड में देखा है। तो अब वो क्या करते हैं, होटल की साइड जाने का निश्चय कर लेते हैं, वहाँ से वो बैक वापस आ जाते हैं और दोनों जो हैं क्या करते हैं, वहाँ से निकल कर वहाँ से वो जो हमारा है ड्राइवर है, इट मीन्स जो बिल है, वो कहता है कि शायद गुस्टफ की शॉप में नहीं है, अगर यहाँ उसकी मीन्स उस वो एग्जॉस्टेड हो गया है, यहाँ से थक गया है, या यहाँ उसका उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया गया है, तो हो सकता है कि वो ग्रे की शॉप में शेव करवाने के लिए गया हो। तो ग्रे के जो बार्बर शॉप हैं वहाँ पर बार्बर जो हैं वो कहते हैं कि 5 मिनट्स पहले ही यहाँ से वो गया है, 5 मिनट पहले ही वो यहाँ से निकल गया है। हो सकता है कि वो फिर उसे अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है वो पुल रूम में गया हो। पुल रूम में जब वो जाते हैं तो वहाँ से पता लगता है कि एक पैकेट सिगरेट ली है और अभी वो वहाँ से बाहर गया है। इस प्रकार जो है ये दोनों उसका पीछा कर रहे हैं लेकिन उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। घंटों तक जो है वो उसका पीछा करते रहते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। और इस प्रकार जो है वो दोनों एक दूसरे की आपस में ओपिनियंस शेयर कर रहे हैं, नेबर्स के बारे में भी बातें कर रहे हैं और आपस में मीन्स अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं। तो लॉयर को जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है लुटकिन के साथ मूव करना, इधर उधर घूमने में उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो, और उसे महसूस हो रहा है कि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो वो कहता है कि भाई लंच के बारे में क्या विचार है, लंच हमें कर लेना चाहिए, समथिंग अबाउट टू ईट मीन्स कुछ खाना चाहिए। तो वो क्या मीन्स वो कहते हैं कि रेस्टोरेंट के लिए सजेस्ट करता है कि लंच के लिए रेस्टोरेंट में चलते हैं। तो इसके ऊपर वो कहता है कि नहीं, मेरी वाइफ जो है वो घर में ही हमारे लिए लंच बनाएगी। और वो कहता है कि यहाँ के जो रेस्टोरेंट 4 रेस्टोरेंट हैं और सारे ही चीप क्वालिटी के हैं, तो इसलिए हमें रेस्टोरेंट नहीं जाना चाहिए, एक पैकिंग लेनी चाहिए, लंच की पैकिंग लेनी चाहिए हमें मेरी वाइफ से, और वो आपसे जो चार्ज लेगी वो हो सकता है एक लंच पैक के लिए $0.50 चार्ज लेगी, इससे ज़्यादा वो चार्ज नहीं करेगी। इस प्रकार वो मील लेते हैं, भोजन ले लेते हैं अपना, और वहाँ से जो है वो खाना लेकर अपना एक वेड्स हिल के ऊपर जाते हैं। बेटा वेड्स हिल, ये हिल का नाम है, एक पहाड़ी पर जाते हैं, वहाँ इंजॉय करते हैं और बैठ कर के दोनों खाते हैं, आपस में बातें करते हैं और एक्सपीरियंस मीन्स अपने शेयर करते हैं। इस प्रकार जो है वो कहता है कि आई नो दैट बिल्स हेल्पफुल भी, वो अपने आप से ही कह रहा है, अपने खुद से ही जो है वो उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। वो कहता है कि बिल जो है वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है और जो मीन्स ऐसा युवक है जो मेरी मदद कर रहा है, और वो मीन्स जो एक्चुअल बात यहाँ कहना चाहता है वो ये है कि बेटा वो ब्रदरली लव मुझसे शेयर कर रहा है, इट मीन्स वो भाईचारा मुझसे दिखा रहा है, प्रेम दिखा रहा है। और लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मैं इस जो ये समय मुझे दे रहा है उसके लिए मैं इसको पे कर रहा हूँ, और 6 आवर्स जो उसके हुए हैं, 6 आवर्स 6 घंटे हो गए हैं, और इसलिए उसने 6 घंटे के लिए पे किया है। और वो कहता है कि जो लंच टाइम था उसको भी उसने इंक्लूड किया है। वो कहता है कि वो भी डिसऑनेस्ट है तो मैं भी डिसऑनेस्ट हूँ। वो अपने आप को डिसऑनेस्ट कैसे कह रहा है, क्योंकि ये तो मुझसे किराया वसूल कर रहा है और मैं जो किराया वसूल करूँगा वो मेरी फर्म से वसूल करूँगा। इस प्रकार जो है उसकी प्रेजेंस में रहना, इट मीन्स उसके साथ घूमना उसको बहुत ही वर्थ पेइंग लगता है, बहुत ही, अगर वो कहता है कि अगर मुझे फर्म पे ना करे तो भी मैं इस व्यक्ति के साथ रहने के लिए पे कर सकता हूँ। इस प्रकार जो है वो बहुत ही अपने आप को रिफ्रेश महसूस करता है वहाँ की हवा में, वहाँ जो मीन्स जो सिटी के सिख लोग हैं
जो सिटी में जो अनहेल्दी एनवायरनमेंट है उससे वहाँ आकर बहुत ज़्यादा डिफरेंट महसूस करता है। जो हिल टॉप के ऊपर बैठे हुए हैं और वहाँ से जो चरागाहों को और मीन्स अच्छे अच्छे दृश्यों को, पहाड़ियों को देख रहे हैं, पेड़ों को देख रहे हैं, वहाँ पर जो है हेक ड्राइवर जो है वो म्यूलियन के बारे में बहुत सारी बातें बताता है, मीन्स वहाँ के लोगों के बारे में बहुत सारे मैटर्स शेयर करता है। वो कहता है कि यहाँ के लोग मीन्स किस तरह से आपस में मिलते जुलते हैं, किस तरह से जो इट मीन्स वो एक डिस्क्रिप्शन जो है अपने पूरे कंट्री का उसके सामने कर देता है, और वो जो डिस्क्रिप्शन है वो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हर जगह वो इंटरेस्ट लेने की कोशिश करता है और हर कई इंसिडेंट्स जो हैं, अब कहता है कि मिनिस्टर्स की वाइफ जो है वो सेइंग लाउड जस्ट इन चर्च में इस तरह से जो लाउड मीन्स सिंगिंग करती है, गाना गाती है, जब वो बहुत ज़्यादा डेट उसके ऊपर हो जाता है, कर्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कमेंट करता है, बहुत सारे कमेंट करता है उन बॉयज़ के ऊपर जो बहुत ही फैंसी क्लोथ्स पहनते हैं और जो वापस आ रहे होते हैं कॉलेज से। और अब वो लॉयर को क्या बताता है कि इस तरह से एक लॉयर की जो मिसिज है, उसकी जो पत्नी है, वो किस तरह से एक पूरे दिन में अपने हस्बैंड के लिए कॉलर और टाई जो है एक दिन में ही प्रिपेयर नहीं कर पाई। इट मीन्स कुछ यहाँ कहने का मतलब है बेटा, कुछ फनी जो इंसिडेंट्स हैं वो शेयर करता है उस लॉयर के साथ। वो कहता है कि न्यू म्यूलियन जो है वो बेटर देन आई डिड द सिटी एंड टू लव इट बेटर। ये वो कहता है, वो उसके ये सब बातें सुनकर, वहाँ का दृश्य देखकर, जो लॉयर है वो ये सोचता है कि जिस सिटी में मैं रहता हूँ उस सिटी से अच्छा तो ये जो कंट्री का इलाका है, देहाती इलाका है, न्यू म्यूलियन इलाका है, इसमें मुझे रहना चाहिए और यहीं मुझे अपनी बेटर प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो कहता है कि जो हमारा हेड ड्राइवर है, या हम कह सकते हैं बिल है, वो कॉलेज भी नहीं गया है और ज़्यादा किसी शहर में या सिटी में नहीं गया है, लेकिन कंट्री के बारे में बहुत ज़्यादा, आसपास के बारे में बहुत ज़्यादा जानता है। और वो कहता है कि इसके जो एडवेंचर्स हैं, साहसिक कार्य हैं, ये जो ब्रॉड बैक ए फिलॉसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर, मीन्स इसमें कितनी सिंप्लिसिटी है, ये अपनी हर चीज़ को, बातों को मुझसे शेयर कर रहा है और मुझे लाफ्टर, मुझे हंसी भी दिला रहा है, और ही स्ट्रेंथन्ड मी, और ये मुझे ताकत दे रहा है। देखो, अगर कोई आप किसी काम के लिए निकले हो और कोई साथ देने के लिए रेडी है, इट मीन्स बेटा उसे फोर्स मिली हुई है, उसे पावर मिली हुई है कि हो ना हो कोई मेरी हेल्प करने वाला है। इस प्रकार जो है वो क्या करता है, वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन, उस पीस वहाँ से लंच करके जो है वो वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ मेडोज और वुड का जो दृश्य है उसको छोड़कर दोनों दोबारा से उस काम पर लग जाते हैं। और काम कौन सा है, सर्च ऑफ ओलिवर लुटकिन को दोबारा से ढूंढने लग जाते हैं। अब वो लुटकिन जो है मीन्स उसे ढूंढते ढूंढते काफ़ी टाइम हो गया है, और फिर उसके बाद बिल जो है वो एक इस तरह से शो करता है कि उसका एक दोस्त है, वो उससे मिलता है। ओलिवर जो है इस बारे में, जो ओलिवर लुटकिन है उसके बारे में वो कहता है, वो व्यक्ति, वो दोस्त जो उन्हें मिलता है, कि वो हो सकता है वो अपनी मदर के फार्म पे गया हो, क्योंकि जो यहाँ से 3 मील दूरी के ऊपर है नॉर्थ साइड में, तो इस प्रकार जो है वो नॉर्थ साइड में 3 मील की दूरी के हिसाब पर चल पड़ते हैं। अब जो हेड ड्राइवर है या जो बिल है वो क्या कहता है उसको, कि मैं जानता हूँ कि उसकी जो मदर है वो बहुत ही भयानक है, और एक बार जो है वो एक इंसिडेंट बताता है कि एक बार उसका जो ट्रंक है मैं लेकर गया था, और उस ट्रंक को जो है जब मैं लेकर गया तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देने की कोशिश की, क्योंकि उसके ट्रंक को जो है मैंने एक एग की तरह से देखभाल उसकी नहीं की, इट मीन्स उसको सेफ मैंने, सुरक्षित मैंने नहीं पहुँचाया। वो कहता है कि वो कितनी मीन्स उसकी मेजरमेंट बताता है कि वो 9 फीट टॉल है, 4 फीट थिक है, और बहुत ही कैट की तरह से क्विक है, और एंड शी श्योर कैन टॉक। इस पर जो है वो पहले ही उसके माइंड में एक इमेज डालना चाहता है बेटा, कि फियर की इमेज, कि वो पहले ही उसकी मदर से डर जाए।
और वो उसके बाद क्या करते हैं, दोनों वहाँ पर जाते हैं और वहाँ भी वो ये एग्री कर लेता है कि मैं उसकी मदर से जाऊँगा और बात करूँगा और आप वहाँ पीछे रह कर ही देखना, आप उसकी मदर के पास मत जाना। तो वह वहाँ पर चला जाता है। ओलिवर जो है उस लेडी से बात करता है। बात करने के बाद क्या होता है कि और वो एक छोटे बच्चे की तरह से जो लॉयर है वो एक लड़के की तरह से पीछे रह जाता है और उससे जाकर नहीं मिलता है। वो उसे कहता है बार बार, मीन्स उसे ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश करता है कि आप लॉ और लिटरेचर में अच्छे हो सकते हैं, आपने पढ़ाई बहुत ज़्यादा की है, लेकिन आप व्यक्तियों को किस तरह से ट्रीट करना है, किससे कैसे बातें करनी है, ये ज़्यादा बातें आप नहीं जानते हो। इस प्रकार जो है वो फार्म यार्ड में चले जाते हैं वहाँ पर और वो फेस करते हैं उस लेडी को, इनॉर्मस और जो चीयरफुल, बहुत ही एक मजाकिया औरत है, बहुत ही उसकी जो बॉडी है वो इनॉर्मस है, बिग है और वो बहुत ही ब्रेवली से, बहुत ही ब्रेव दिख रही है सामने से। और बिल मैग्नूसन जो है एक वहाँ पर उसको स्टॉप करके, उसको जो हमारा एडवोकेट है उसको वहीं बैठा कर वो उस औरत से मिलने के लिए जाता है। लेकिन देखो बाद में हमें पता लगता है कि एक्चुअल में अभी वो कौन है, वो लेडी वो उसकी मदर ही है। लेकिन वो वहाँ पर जो है वो एक नाटक सा करते हैं और उस जो हमारा एडवोकेट है उसको और ही जो है सीन रोल प्ले करते हैं उसके सामने। इस प्रकार जो है वो दोनों आपस में, वो लेडी जो है आई वो कहती है कि मैं ओलिवर के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। जब उससे ओलिवर से पूछ के लिए पूछा जाता है, कहती है मैं ओलिवर के बारे में नहीं जानती हूँ और ना ही मैं उसके बारे में कुछ सुनना चाहती हूँ। इस प्रकार जो है वो बहुत ही इधर उधर देखती है और नॉनसेंस तरीके से चिल्लाने लग जाती है। और इसके बाद अगर उसे बार बार जब पूछा जाता है तो वो इतनी इरिटेट हो जाती है कि वो थोड़ी देर के बाद, मीन्स इतना गुस्सा हो जाती है कि किचन में जाती है। किचन में जाने के बाद जो है एक आयरन स्टोव से एक रॉड लेकर आती है और उससे उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, उन्हें जलाने की भी कोशिश करती है। और वो ये सोचते हैं कि भाई इनके घर की, वो घर की तलाशी लेने के लिए कहते हैं कि हम जो है वो कोर्ट के ऑर्डर से आए हैं और हम ओलिवर लुटकन की पूरी प्रॉपर्टी को सील कर सकते हैं। तो इसके ऊपर वो क्या सोचता है कि भाई इस तरह से, मीन्स इसको जो लॉयर है इसको की माइंड मैपिंग कर रहा है कि मैं एक्चुअल में तेरा फ्रेंड हूँ और मैं हेल्प करना चाहता हूँ। वो चिल्लाने लग जाती है और वो डरकर दोनों जो है वो वापस भाग जाते हैं। और वो ये कहते हैं कि हो सकता है कि ये हमारा मर्डर कर दे, मीन्स इस तरह से बहुत ज़्यादा वो दोनों डर जाते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं। वो जो उसका जो ट्रीटमेंट था, बिहेव था उस औरत का, वो बहुत ही बेटा डिसरिस्पेक्टेबल था, मीन्स उसका निरादर के रूप में था। और उसे निरादर कब लगता है, जब वो मीन्स इस तरह से अटैक भी कर रही है, बिहेव भी कर रही है और वो उनके ऊपर हंस भी रही है। लेकिन फिर उसके बाद वो दोबारा से जो है वो वहाँ पर कोशिश करते हैं तलाशी लेने की। एक स्टोरी बिल्डिंग है और वहाँ पर जो विंडो के बाहर, विंडो में से झांक कर देखते हैं और वहाँ का जो खलिहान है या स्टेबल है, अस्तबल जो है वहाँ पर भी वो सर्च करने की कोशिश करते हैं और वो कंफर्म कर लेते हैं कि लुटकिन यहाँ नियर बाई कहीं भी नहीं है। अब जो हमारा एडवोकेट है उसको आफ्टरनून में ट्रेन पकड़नी है और वो वापस स्टेशन के ऊपर चला जाता है। अब सिटी में पहुँचने के बाद वो बहुत ही चिंतित हो जाता है कि उसे फेलोर मिली है। देखो उस व्यक्ति को वो पकड़ नहीं पाया है और वो असफल हो गया है। इस प्रकार जो उसके और मेट्स हैं और जो कलीग्स हैं, उसके जो साथी हैं, वो बहुत ज़्यादा उससे नाराज़ हो गए हैं। नाराज़ होने के बाद उसे महसूस होता है कि हो सकता है कि उसे उसकी जो स्टार्टिंग है, उसकी जो एडवोकेट का जो काम कर रहा है उसकी जो स्टार्टिंग है, हो सकता है आज उसकी एंडिंग हो जाए। इट मीन्स और वो वहाँ से वापस आने का भी विचार कर लेता है, सोचता है कि यहाँ मेरी लाइफ जो है वो अच्छी नहीं होगी और क्यों ना मैं वापस जो है वो
उसी सिटी में जाऊं, म्यूलियन सिटी में ही जाऊं और वहीं मैं प्रैक्टिस करूं अपने लो की। और हो सकता है वहां मेरे बहुत अच्छे नेबर मिल जाएं, मुझे पड़ोसी मिल जाएं और अच्छे दोस्त मिल जाएं, फ्रिज जैसे, गुस्ताफ जैसे, बहुत ही स्लो स्पोकन, सिंपल, वाइज नेबर्स मुझे मिल जाएं और मैं वहां रहकर ही प्रैक्टिस करूं। और इस प्रकार जो है मींस वो आई हैड डिस्कवर्ड ए न्यू वे ऑफ लाइफ, वो कहता है कि मेरी एक अलग ही ज़िंदगी हो जाए और मैं एक बहुत अच्छा व्यक्ति, यहाँ पर मेरी आज़ादी हो जाए, मींस वो अलग दूसरी तरह से स्वप्न लेना शुरू कर देता है। लेकिन जो ऑफिस के सभी व्यक्ति हैं वो अपसेट हो जाते हैं, मॉर्निंग में केस की सुनवाई होनी है, अब जो कोर्ट में है लुटकिन का होना बहुत ज़रूरी है और लुटकिन जो है वहाँ नहीं मिला है, इसलिए वो कहता है कि मेरे लिए सेम फुल मैटर है और मैं एक यूजलेस मींस बिना किसी प्रयोग का मूर्ख, मींस बेटा बिना किसी का मूर्ख व्यक्ति हूँ, अब मेरा कोई भी यूज नहीं है। इस प्रकार जो है वो वहाँ जो उनका बॉस है, जो चीफ है बेटा, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो उसका मर्डर करने को ही आतुर हो जाता है, इट मीन्स बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। और फिर उसके बाद उसे दोबारा से ऑर्डर दिया जाता है कि आप वापस म्यूलियन जाइए और वहाँ एक व्यक्ति को साथ भेजा जाता है जो लुटकिंस को जानता है। ऐसे लुटकिंस मीन्स वो वापस वहाँ पर पहुँच जाते हैं, प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाते हैं, स्टेशन पर आ जाते हैं, तो वहाँ ट्रेन पहुँचती है और न्यू मिलियन के अंदर बिल जो है अभी भी स्टेशन के ऊपर बैठा हुआ है, स्टेशन के ऊपर है। उसी समय जो है वो जो औरत थी जो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, अब यहाँ पर उस औरत के लिए क्या कहा गया है कि इतनी भयानक जो औरत थी वो क्या उस समय उससे बातें कर रही है और हंस रही है और अब उसको गुस्सा नहीं कर रही है। इस प्रकार जो है वो पॉइंट आउट करता है बिल की साइड, वो कहता है कि ये मेरा साथी है जो कल मेरे सारा दिन मेरे साथ रहा, पूरा दिन मैंने इसके साथ बिताया और ये रियल में बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। तो वो इस पे पूछता है कि ही हेल्प्ड यू हंट, मींस क्या ओलिवर को, ओलिवर लुटकिन को ढूंढने में इसने आपकी सहायता की? वो कहता है कि हाँ, इसने ज़रूर आपकी सहायता की होगी। क्यों? क्योंकि ही मस्ट हैव, ही इज़ लुटकिन हिमसेल्फ, क्योंकि वो खुद ही क्या है, वो खुद ही लुटकिन है। तो इस पर जो है उसे बहुत रियली, अब तक तो वो बहुत ज़्यादा खुश था कि ये बहुत अच्छा दोस्त है, उसकी इतनी तारीफ़ें किए जा रहा था, बट अब उसे क्या महसूस होता है कि उसका हर्ट जो है बेटा वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, ब्रोक हो जाता है मीन्स टोटली। और वो कहता है कि जब मैंने संबंध दिया, जब मैंने इनको संबंध देने की कोशिश की तो लुटकिन और उसकी जो मदर हैं वो दोनों हंस रहे थे। और कैसे हंस रहे थे मेरे ऊपर कि जिस तरह से मैं कोई बॉय हूँ, 7 ईयर ओल्ड, 7 वर्ष का लड़का हूँ, इस तरह से वो मेरे ऊपर हंस रहे थे। अब जो वो काइंड लेडी है, अब उसको जो वो लविंग काइंडनेस है, और अब उसको सारी चीज़ें जो हैं पीछे अपने आप को रिकैप्चुलेट करता है, पीछे की चीज़ों को याद करता है कि किस तरह से वो दोनों जो हैं माँ बेटा मुझे अपने पड़ोस में लेकर गई कॉफ़ी पीने के लिए और उन्होंने बताया कि किस तरह से टोल्ड देम अबाउट यू, दे आर एंग्जियस टू लुक एट यू, इट मीन्स उन्होंने कहा कि जो मेरे नेबर्स हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। अब लुटकिन जो है ऐसी बातें जो जॉय के साथ, खुशी के साथ उसे शेयर कर रहा था, कहता है कि ओनली फॉग जो है मीन्स यहाँ के जो टाउन में रहने वाले जो लोग हैं, जो आपको यस्टरडे नहीं देख पाए वो आज आपको देख पाएंगे। इट मीन्स वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, उसे जो मेन उसका पर्पज है वहाँ पर उसको, उससे उसको दूर करना चाहते हैं। वो उसको बताता है कि बहुत सारे लोग जो हैं उसको देखने के लिए उत्सुक हैं और लुटकिन ये कहकर बार बार हंसते हुए उसने बताया केवल यही लोग इस कस्बे में ऐसे हैं जो कल आपको देख नहीं पाए थे। इट मीन्स उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे लास्ट में पकड़ लिया जाता है, लेकिन फर्स्ट टाइम वो उसे चीट कर जाता है। तो इस तरह से ये हैक ड्राइवर की स्टोरी है कि किस तरह से खुद ही हैक ड्राइवर जो है वो लुटकिंस है और लॉयर को जो है चीट करता है। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।